माय चैनल, माय चैनल नेम इज मूवी कर बिंदु एंड आई एम बिंदु। सो फ्रेंड्स, अब बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि मैंने अपनी बेटी के टीनेजर एज में जो कि उनको पिंपल्स और प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसे किस तरह से क्योर किया। बट थोड़े दिन पहले ही उन्हें फिर से कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, जैसे कि टाइनी बम्स की अगर मैं बात करूँ ना, फेस पे बहुत सारे छोटे छोटे एकदम से टाइनी 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 आपको जो पिंपल्स की तरह आना शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर, तो उसके लिए क्या DIY और क्या घरेलू उपचार करके आप अपने इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं यहाँ पे टीनेजर्स एज की मतलब लोग हैं जो उनकी बात कर रही हूँ, तो बच्चों के बहुत जल्दी से ये फेस पे आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हार्मोनल चेंजेस होता है ऑब्वियसली, जैसे जैसे ग्रोथ होती है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि चेंजेस होने की वजह से हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे ना पिंपल्स आना शुरू होता है, टाइनी बम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। इवन बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है कहीं आने जाने में, किसी से मिलने जुलने में बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करते हैं। बट ऐसा कुछ भी ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ना घरेलू चीजों पे यूज करके अपने स्किन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं हर एक चीज अपनी बेटी का इतना ख्याल रखती हूँ। तो देखिए, मैंने आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो DIY होम रेमेडी शेयर की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बेटी के एज के हैं, टीनेजर के हैं, तो आप इसका ना पेस्ट जरूर ट्राई करना, उसके बाद ही ये सारी चीजें यूज करना, ठीक है। तो ये होता क्यों है, ये सारी चीजें कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद देखिए, होम रेमेडीज DIY जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। घर की घरेलू चीजों से हम अपने स्किन को पैम्पर करते हैं, इनहेंस करते हैं, और अपने हमारे स्किन जो है ना उससे कहीं बहुत ज्यादा लाइटन भी होती है और ब्राइटन भी होती है। तो जो मैंने ये रेमेडी शेयर की आप लोगों के साथ में, इसे आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हर एक चीज जो हमारे किचन में अवेलेबल होती है ना, उनसे करना होता है। बहुत से बच्चों के ऐसे हो जाते हैं ना, स्किन पे टाइनी बम्स भी आ जाते हैं, साथ ही साथ स्किन पे बहुत दाग धब्बों की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एज में देखिए दाग धब्बे जो पड़ जाते हैं ना, उसे रिमूव करने के लिए भी बहुत ही अच्छे से ये होम रेमेडी काम करने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये काफी दिनों पहले मैंने इस वीडियो को शूट किया है और इसे आप लोगों के साथ में मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट मिला है, बेटी जो मेरी बेटी है उसके पूरे स्किन जो एकदम फ्लॉलेस हो चुका है और अब कोई भी उनको टाइनी बम्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस प्रोसीजर को आपको पेशेंटली करना है, लाइक 7 डेज तो आपको इसका लगातार यूज करना है, उसके बाद ही आपको एक रिजल्ट बहुत ही अच्छा सा देखने के लिए मिलेगा। अगर जब आप इसे 7 डेज में अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो आगे, ताकि आपका पूरा जो स्किन है ना वो फ्लॉलेस हो जाए और जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की जो आने की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाए। मैंने यहाँ पे 2 तरीके से किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट जो दूसरा तरीका है मैं वो शूट नहीं कर पाई हूँ, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। मैंने नीम के कुछ पत्ते लाए थे, उसे वो अच्छी तरह से वाटर में बना के, एकदम से स्प्रे बॉटल में बना के भर के, उसे मैं 3 टाइम्स अप्लाई करती थी अपनी बेटी के फेस पे, सिर्फ स्प्रे करती थी। उससे भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है, सूदिंग मिलता है, और कुछ सोप है जो मैंने चेंज किया है अपनी बेटी के, तो उससे भी उनको बहुत ही फर्क पड़ा है। बट ये DIY मैंने उनको पूरा 1 हफ्ते अच्छी तरह से अप्लाई किया है, और इसी तरह से 21 डेज अगर आपने कर लिया तो आपकी बहुत ही अच्छे से स्किन जो है वो फ्लॉलेस हो जाएगी। तो चलिए भी रेमेडी देख लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह के एक्नी या फिर टाइनी बम्स आप बोल सकते हैं आ चुका है। आपको क्या करना है, आपके फ्रेश अगर एलोवेरा अगर आपने लगाई है तो आपको उसे ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमेशा अपने गार्डन में तो बहुत ही अच्छी तरह से एलोवेराज वगैरह बहुत सारे लगाई, तो 1 पॉट है और भी ऐसे 2-3 पॉट है जो मैंने अपने इस तरह से लगा रखी है। आपको फ्रेश एलोवेरा के लीव्स ले लेने हैं सबसे पहले, और उसे अच्छी तरह से यहाँ से कट करके आपको ले लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलोवेरा हम कट कर रहे हैं ना, इसका एक पार्ट और मैं बताना चाहूंगी। इसमें जो येल्लो बेस निकलता है काटने के बाद, आप उसे बिल्कुल ना इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि वो पूरा इसका हीट निकलता है, तो उसे आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है, कट कर लेना है अच्छी तरह से। आप एलोवेरा प्लांट्स लेके उसे क्लीन कर लीजिए। एलोवेरा हमारे स्किन से ना इम्प्यूरिटीज को दूर करती है, जो हमारे स्किन में ना बहुत सारे इस तरह के ईचिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उसे भी वो दूर करती है। बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही सूद प्रोवाइड करता है एलोवेरा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भरपूर होती है। इस तरह से आपको एलोवेरा को नाइफ की हेल्प से बीच से कट कर लेना है, और जो उसका गुदा होता है उसे भी आपको इस तरह से रिमूव कर लेना है। बीच में से आप स्लिट लगा दीजिए इस तरह से, और ये आराम से जो इसका क्रिस्टल क्लियर जो है ना
गुदा आपको यहाँ से मिल जाएगा और आपको इस तरह से ले लेना है। एलोवेरा हमारे स्किन से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। अगर आपको एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फ्रेश एलोवेरा को एवरी टाइम यूज़ करिए। कम से कम दिन में 3 बार भी अगर आपने एलोवेरा, फ्रेश वाली एलोवेरा को यूज़ किया ना, तो ये बहुत ही अच्छी सी सेंसेशन प्रोवाइड करता है आपके स्किन में, जो कि आपके स्किन से बैक्टीरिया को रिमूव करने का भी काम करता है। और एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है वो बैक्टीरिया जमा होते जाता है उससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इस तरह से हमने पूरा कलेक्ट कर लिया है एलोवेरा के पल्प को। इसे आपको अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में एक फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एलोवेरा को इतना ले लिया है कि मैं इसे अपने बेटी के स्किन पे इसे यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो आपको बताया है नीम का जो वाटर है उसे भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे हमने जो एलोवेरा के जूस को ले लिया है इसके अंदर हम लेने वाले हैं टोमेटो का एक आधा टोमेटो आपको ले लेना है और इसी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। एलोवेरा के जो हमने जूस निकाले हैं उसे 3 से 4 चम्मच आपको इसमें डाल के मिक्स कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपको मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सा फिर से एक पेस्ट बना लेना है। तो टोमेटो और एलोवेरा को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब टोमेटो क्या करता है, जितनी भी गंदगी होती है ना चेहरे की, जो दाग धब्बों की प्रॉब्लम होती है वो भी रिमूव करता है। एक्ने का जो इसका जो कॉम्बिनेशन हमने बना लिया ना एलोवेरा और टोमेटो का, इससे क्या होगा आपकी जो एक्नी होती है, जो टाइनी बम्स होते हैं फेस के ऊपर, वो एक धीरे धीरे लाइटन होना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे एकदम से बंद होना शुरू होते हैं। अब हम इसमें मुल्तानी मिट्टी डालेंगे। मुल्तानी मिट्टी हम इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों ताकि हमारे जो स्किन पे ना ऑयली स्किन वालों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्नी वगैरह की, तो आपको यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आप बना के अपने चेहरे पे लगाएंगे ना, बहुत ही अच्छी सी से पिंपल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो यहाँ पे मैं इसे बना के रख लिया है। अब मैं इसे अपने डॉटर के फेस पे अप्लाई करूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेस्ट को आपको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसे जहाँ जहाँ पे आपको टाइनी बम्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, उसे इसे अप्लाई करिए। इसी के साथ साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैंने अपनी बेटी के फेस पर ना नीम का जो स्प्रे बनाया है उसे भी यूज़ किया है। नीम का फेस वॉश लिया है, फेस सोप भी लिया है, तो इससे काफ़ी आराम हुआ और हफ्ते भर के अंदर ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप कुछ इस तरह से अगर करेंगे तो आप ऑब्वियसली आपकी जो स्किन है ना वो अच्छी भी हो जाएगी और ये जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है टीनेजर में ये भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सूदिंग प्रोवाइड करता है और जो दाग धब्बे होते हैं उसे भी रिमूव करता है, क्योंकि होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अपने बच्चों पे ज़रूर हमें ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत एम्बैरसिंग फील करते हैं वो। और देखिए उसके बाद ये चेहरा बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं।